व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। आज हमारा टॉपिक होने वाला है अवार्डो के प्लान के बारे में, तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि अवार्डो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसका इंटेलिजेंसी का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि उसने कारा के अंदर रहते हुए ऐसे ऐसे निंजा टूल्स बना दिए हैं जो कि कोनोहा के साइंटिस्ट मिलकर भी नहीं बना सके हैं। और अगर हम लोग उसके ब्रेवनेस की बात करें तो उसने तो कोनोहा के सबसे ज्यादा ब्रेव शिकामारू को भी चकमा दे दिया था। तो हमने ये बात जान लिया कि बोरुटो मांगा में अवार्डो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और ब्रेव है। आई एम श्योर आपके मन में भी ये डाउट होगा, अवार्डो मस्ट बी द मास्टरमाइंड ऑफ ऑल द मेस। पहले तो वो कारा को सबसे ज्यादा मदद करता है अपने टेक्नोलॉजी से, और फिर वो कोनोहा में आकर कारा की पोल खोलने लगता है। अब कुछ लोग तो बोलेंगे कि डर के भाग गया होगा, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उसके पीछे भी कोई कारण है। अवार्डो ने अभी भी बहुत सारी बातें नहीं बताई हैं, और उसे कावाकी की इतनी चिंता क्यों है? जब इशिकी के साथ बैटल के बाद नारुतो एंड ऑल वापस कोनोहा आ जाते हैं, तब ये लाइटर सेज अवार्डो सबसे पहले यही पूछता है कि कावाकी ठीक है कि नहीं। इसका मतलब गड़बड़ तो बहुत है। उसका ये जो बड़ा प्लान है उसमें कावाकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जो कि कावाकी खुद भी नहीं जानता है। और अवार्डो के इसी प्लान को अंजाम देने के लिए कावाकी का पीछे वो इतना ज्यादा पड़ा हुआ है। आई थिंक कुरामा का जाना, ये कारमा का सीन और रिनेगन का जाना, ये सब अवार्डो के प्लान के अंदर आते हैं। आप सभी को याद होगा जब कोनोहा में एयरशिप क्रैश हुआ था, उसमें से कोनोहामारू को एक स्क्रोल मिला था जिसमें कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन थी अबाउट कारा एंड कागुया टेम्पल। और सास्के वहाँ जाता है और किनशिकी और मोमोशिकी से मिलता है। आई थिंक अवार्डो को ये पता था कि सास्के वहाँ जाएगा बिकॉज वही है एक जो स्पेस टाइम निंजत्सु परफॉर्म कर सकता है। और वो ये भी जानता था कि बोरुटो के ऊपर कारमा सील आएगा, और ये सब उसके प्लान के मुताबिक चल रहा है। आई थिंक अवार्डो इस नारुतो या फिर कह लेते हैं बोरुटो यूनिवर्स में चाक्रा का एग्जिस्टेंस मिटाना चाहता है। मेरा तो ये मानना है कि फोर्थ ग्रेट निंजा वार के टाइम अवार्डो के कुछ अपने मर चुके होंगे उसी वार के कारण, इसीलिए वो इस वार का जड़ उखाड़ना चाहता है जो कि चाक्रा है। और आप लोग ही सोचिए, अगर चाक्रा ही ना होता तो ये वार क्या होता? और ये जीगन और बाकी कारा मेंबर्स ये सब अवार्डो के कठपुतली हैं जो कि उसके प्लान्स को अंजाम दे रहे हैं। अवार्डो को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो क्या कर रहा है, और अवार्डो का प्लान अभी खत्म नहीं हुआ है। उसका बड़ा प्लान अब भी बाकी है जो कि कावाकी से रिलेटेड है, इसीलिए तो वो कावाकी के पीछे पड़ा हुआ है। अगर इतना वीडियो देखा है तो आप लोग भी समझ चुके होंगे कि अवार्डो का इंटेलिजेंस सातवें आसमान पर है, और उसके प्लान को अंजाम देना ही उसका एम बन चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ सवाल हो तो कमेंट कर देना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। पीस आउट।